हेलो हेलो छोटे ठाकुर मालक, हम गुलाबिया बोल रहे हैं। गुलाबिया जी, इतनी रात गए, क्या हुआ? अभी तो कछु ना हुआ है, इसी वजह से हमारे रातों की चैन उड़ गया है। एक दिन रह गए हमारी मोड़ी को बर्बाद होने, लेकिन आपने अब तक हमारे हमारी बिनती का जवाब ना दिया। आप करेंगे ना रक्षा हमारी मोड़ी की? गुलाबिया जी, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मेरी मामी जिंदा है तो ये शादी ना हो। मैं तब से यही कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छोटे ठाकुर मालक, मालक मालक आप कुछ बोल रहे थे? गुलाबिया जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये बात तो पक्की है, कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मामी की पुतली, आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तरफ गए, आई मिस्ड हिम। ठाकुर मालक, मालकिन अब संभाले नहीं संभल रही, हमें डर है कि कहीं चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा देखो, आपके लिए सॉक्स बनाए हमने, आप इसको पहन के बहुत सुंदर लगोगे, बहुत सुंदर। विक्रम साहब, ये कुछ पेपर्स हैं। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? विक्रम साहब, हमने इन्हें बहुत मुश्किल से कंट्रोल में किया है, और भारी सेडेटिव्स भी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा, विवाह को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठाकुर मालक, तनु माँ, इस समय कुछ मत कहिए, हमको सुनना नहीं चाहते इस वक्त। रेवा को यहाँ पे रोक रखना आपकी जिम्मेदारी, ये रखिए, कहाँ पे मिली बात में बताते हैं आपको। ठाकुर मालक,
कितने बड़े धोखे में थी मैं। जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं मानी जाती, क्या कर रही हूं मैं इधर? क्या काम है? दोस्त हो ना मेरी, बहुत अच्छी। और तुम्हारा ये भी कहना है ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो डांटती क्यों नहीं हो मुझे? क्यों नहीं कहती कि आदित्य तुमने गलती की है और तुम ऐसा नहीं कर सकते? देखो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ, जो मैंने किया वो गलत था, इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की, सेल्फिश तरीके से बात की, इडियट की तरह बिहेव कर रहा था और तुम चुपचाप खड़ी होकर वो सहन कर रही थी। तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं स्टूपिड पंती कर रहा था। इसे क्या देख रही हो? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे भी बता दो, थोड़ा मैं भी हंस लेता हूँ। एक तो यहाँ शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास माफी मांगने आए और तुम शर्मिंदा हो सकते हो, बातें बना सकते हो, लेकिन हिम्मत करके लड़की को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि I'm sorry। हाँ, इनडायरेक्टली वही तो बोलने आया था। मैंने गलती की, तुमसे बदतमीजी। बस बस बस, जानती हूँ, पर तुम्हें माफी तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने दिल में जो बात है वो नहीं बता देते, जिसके वजह से तुम इतने टेंस्ड हो। अमृता, जो भी बात है मुझे हैंडल करने दो प्लीज। एक बार ये बात सॉल्व हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, और तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। और अगर नेक्स्ट टाइम मैंने गलती की तो प्लीज मुझे बता देना, चुपचाप खड़ी मत रहना। वैसे अब तुमने मुझे माफ कर ही दिया है तो अपने कपड़े वापस रखवाओ, चलो। ठीक, मैं इंतजार करूंगी। ये कब तुम मुझे अपना मानकर सारी बात बता दोगे? ओके बाबा, जाओ अभी कुहू का मार्केट जाना है, उसे बाजार ले जाओ। मैं सोच रही थी साथ में सुगनी को भी लेके जाओ, बहुत ज्यादा नर्वस है और उसका मन भी बहल जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। लुगाई देख कितना मेहनत कर रही है, मदद कर अपने लुगाई की। हाँ हाँ हाँ, काम आ रहा भैया। क्या बात है जीजी, कहाँ है चुपचाप बैठी हो? अरे त्योहार आ रहा है, थोड़ा हंसो बोलो है? दो दो भाई हैं, अभी तक राखी भी लेकर नहीं आई तुम। हाँ जीजी, त्योहार अभी खत्म ना हुआ, ले आएंगे। हाँ जीजी, हर साल राखी से 3 दिन पहले ही चूल्हे से गहरी दोस्ती कर बैठती थी। जे पकवान, जे मिठाई, भाइयों के लिए ऐसा प्यार कि चूल्हे की आग ठंडी नहीं पड़ने देती थी, और जे बखत जे सब शुरू भी ना किया। आग तो इस साल भी लगी है लक्ष्मी, पहले चूल्हे में जला करती थी, अब हमारी छाती में जलती है। वैसे पूरी पकवान ना बनाएंगे तो क्या भाइयों के लिए प्यार कम माना जाएगा? अरे नहीं रे जीजी, कुछ बनाए या ना बनाए हमारे रिश्ता थोड़ी ना बदलेगा। हाँ, हर साल तुम्हारे रक्षा का वचन देते आए हैं, और ऐसा बखत आया ना देखना तो गर्दन काट सामने धर देंगे। हाँ, आप पीछे ना हटेंगे जीजी। हाँ मौसी। अरे चंपा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ जरा। वैसे कटारी, हमारी कोप भी हमारा ही हिस्सा थी,
उसकी रक्षा की बात की तो तुम्हारा नाखून तक ना टूटा। सर कटाने की बात करते हो। मौसी बताओ क्या हुआ? देखो रत्थू से जाकर कहो जब विक्रम ठाकुर मालक बाहर जाए वो उनका पीछा करे, वो कहाँ जाते हैं वो देखे, और हवेली में कौन आता है कौन जाता है सब पर नजर रखे और हमें बताए। ठीक है मौसी, हम जाते हैं। कहते हैं, और चिंता मत करो, समय बहुत कम है हमारे पास, सब जानकारी रखनी पड़ेगी कि विक्रम ठाकुर मालक कर का रहे। ये वाले दिखाई ना भैया प्लीज प्लीज। ये वाली? ये वाला नहीं, ये ज्यादा अच्छी है, ये येलो वाला। ओहो कुहू, मुझे लगता है तुम्हें याद दिलाना जरूरी हो गया है कि मामा जी के सिर्फ दो हाथ है, ये 10-15 राखियां इसका क्या करोगी? अब हम क्या करें अमृता, ये सारी की सारी इतनी अच्छी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कौन से ले ले। अरे सुगनी तुम भी आओ ना, तुम्हारे घर में भी अभी अभी नया भाई आया है ना, तो सिलेक्ट करो, चलो आओ। नहीं नहीं हम ठीक है। भैया वो वाला दिखाना। सुगनी मुझे लगता है राखी के लिए तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आई एम श्योर कम से कम इस त्योहार के लिए तुम्हारी माई तुम्हें रोकेगी नहीं। हम जानते हैं हमारी माई हमें नहीं रोकेंगी, हम तो बस ये सोच रहे हैं कि इस त्योहार के बाद हम कितने पराये हो जाएंगे। जिस घर में हमने अपनी आधी जिंदगी गुजारी उस घर में सिर्फ तीज और त्योहार के दिन ही जा पाएंगे। सुगनी तुम बहुत लकी हो, कम से कम शादी के बाद के सपने तो देख सकती हो। यहाँ तो मेरी शादी अपने आप में एक सपना बनने लगी है। आदि तो फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि हमने शादी कब करनी चाहिए। खैर हमारी सुगनी के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी दिखती है, चलो अपने छोटू से प्यार उसे भाई के लिए एक प्यारी सी राखी पसंद करें। चलो धनुमा वहीं पर रुकिए, हम किसी के हाथ में पैसे भिजवाते हैं, देखिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विक्रम जी थके हुए क्यों लग रहे हो, रात को ठीक से सोए नहीं क्या? हाँ ये शादी की तैयारियों के चक्कर में जरा। तो आओ हमारे साथ बैठ के चाय पी लो, आओ कम से कम टोस्ट तो खा लो। अरे काम बाद में होता रहेगा, पहले कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे। आदि ये क्या तरीका हुआ अपने मामा जी से बात करने का? माँ मैंने यही तो कहा कि मुझे भूख नहीं है। जी जी ग्रैंड मालकिन कपड़े बता दीजिए, धोबी के यहाँ देने जा रहा हूँ। तुम चलो हम आते हैं। जी आदि बेटा आउट हाउस खुलवाकर उसकी सफाई करवा दो, मेहमान आएंगे तो उनके रुकने के काम आएगा। ठीक है। भैया एक सबसे बड़ी वाली और सबसे अच्छी वाली राखी बताओ। जी ये लक्ष्मी जी 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 वाला टिंगलिया जी अच्छा है मिला नहीं हरा। चाची देखो सुगनी जी हमारे यहाँ आ रही है। सुगनी
बहुत देर हो चुकी है, घर चलना चाहिए। पर हमें सुगनी जी से मिलना है। हमने कहा ना बुआ, हमें सुगनी जी से मिलने दो ना। कटारी ले जाओ इसे। चल। नहीं जा, चलो हमें सुगनी जी से मिलने दो ना। बुलाना खासा की। मिलने दो ना। टिंकल, चलो घर। हमें माफ कर देना मोड़ी, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे, पर जरूरी है तुम्हारे अपने भविष्य के लिए। ये क्या है? कहीं ये रीवा मामी से रिलेटेड तो नहीं? पता करना होगा ये सब कहां से आई। सर, और इस बिल पर कल की डेट है।